पांच साल में घटे 2.1 करोड़ जॉब, बेरोजगारी चरम पर, 45 करोड़ युवाओं ने जॉब तलाशना ही छोड़ दिया, महिलाओं की स्थिति और भी भयावह, मात्र 9% महिलाओं के पास ही काम। वैसे तो राजनेताओं द्वारा चुनावी समय में युवाओं से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये वादे धरातल पर कितने लागू होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आपको याद होगा ऐसे ही वादे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सन 2014 के लोकसभा चुनावों में भी किए गए थे। ऐसा ही एक वादा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी युवाओं से किया गया। वो वादा था हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वक्त के साथ ही गिरगिट की तरह रंग बदलने में कामयाब रहे और समय बदलने के साथ ही 2 करोड़ नौकरी की जगह 2 करोड़ रोजगार की बात करने लगे और पकौड़े बेचने तक को रोजगार बता डाला। यही नहीं साथियों, कुछ युवाओं ने तो इसे हंसते हंसते रोजगार मान भी लिया। हालांकि यह एक अलग मुद्दा हो सकता है कि जिन्होंने पकौड़े बेचने को रोजगार माना उनमें से कोई युवा पकौड़े नहीं बेचता, बल्कि उनके पुरखों के कई पुश्तैनी रोजगार धंधे पहले से स्थापित हैं। फिर वो भला तेल के दाम 200 के पार जाने पर कैसे समझ सकते हैं कि अब तो पकौड़ा बेचना भी कोई आसान काम नहीं रहा। खैर, भूमिका बहुत हो गई, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दैनिक भास्कर अखबार में आज 26 अप्रैल को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या है, भारत की रोजगार की समस्या खतरनाक रूप ले रही है। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नए डेटा के मुताबिक सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, खासतौर पर महिलाएं, श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरह बाहर होती दिख रही हैं। दरअसल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के विकास को गति देने के लिए युवा श्रमिकों पर दाव लगा रहा है। 5 साल में श्रम भागीदारी 6% कम हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई है। इसमें लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला। CMIE के मुताबिक भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं। इनमें 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। महिला 49% आबादी को लीड कर रही हैं। सोसाइटी जनरल GAC बेंगलुरु के अर्थशास्त्री कुणाल कुंडू का कहना है कि रोजगार की अभी जो स्थिति बनी हुई है वह भारत में आर्थिक असमानताएं बढ़ाएंगी। इसे K-शेप ग्रोथ कहते हैं। इससे अमीरों की आय बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि गरीबों की नहीं बढ़ती। भारत में कई तरह के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से भी महिलाओं को रोजगार के बहुत कम मौके मिल रहे हैं। आबादी में 49% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 18% है, जो कि वैश्विक औसत से लगभग आधी है। यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि भारतीयों की उम्र बढ़ रही है पर उस रफ्तार से आमदनी नहीं बढ़ रही। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 90 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन काम न होने की वजह से उनकी आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ रही है। यही स्थिति रही तो भारत सबसे ज्यादा वर्क फोर्स के बावजूद तरक्की का मौका खो देगा, जो अभी सिर्फ भारत के पास है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। आसान भाषा में कहें तो भारतीय उम्र दराज हो रहे हैं पर अमीर नहीं हो रहे। महिलाओं के लिए मौके सीमित, इसलिए उनकी स्थिति खराब बनी हुई है। CMIEE के महेश व्यास का कहना है कि कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी नाम मात्र की है। यही वजह है कि योग्यता के बावजूद सिर्फ 9% महिलाओं के पास काम है या वे काम की तलाश जारी रखे हुए हैं। MSME जॉब पोर्टल पर वैकेंसी 1 साल में 71% घटी। सिर्फ 133 वैकेंसी MSME मंत्रालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर
12 महीने में नौकरी चाहने वालों की संख्या में 86% और पदों की संख्या में 71% की गिरावट आई है। हाल ही में एमएसएमई टूल रूम्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 4,77,083 युवा पास होकर निकले हैं, लेकिन पोर्टल पर सिर्फ 133 लोगों के लिए वैकेंसी उपलब्ध हैं। पिछले साल 936 वैकेंसी थी। साथियों, यह रिपोर्ट देश और प्रदेश की तमाम सरकारों पर कई सवालिया निशान खड़े करती हैं। क्या ऐसे ही बनेगा हमारा देश विश्वगुरु? आखिर कब तक मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर जनता गुमराह होती रहेगी? आखिर नेता कब करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात? क्या धर्म के नाम पर देश की जनता को लड़वाने पर देश की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी? साथियों, आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित आवाज, दिल्ली।